हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस में अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हो। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है कि इंस्टा सेविंग अकाउंट जो है कि ओपन करके दिखाया था। उसमें आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इंस्टेंटली दे दिया जाता है। दोस्तों, उस वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और आज जो है कि मैं आपको न्यू प्रोसेस बताऊंगा कि यहां से आप जो है कि किस तरह से जीरो बैलेंस में अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि ये नॉलेज जो है कि वो लोगों को भी मिल पाए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिरजू। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी या लैपटॉप जो भी यूज करते हो, मोबाइल वगैरह, यहां पे आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। देन उसके बाद यहां पे आपको गूगल में आ जाना है और यहां पे आपको टाइप करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो मैं यहां पे टाइप कर देता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा, और टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है कि यहाँ पे आपको थ्री लाइन दिख जाएंगे, यहाँ पे राइट साइड में ऊपर में, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएंगे डेस्कटॉप साइट, तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में टिक कर देनी है। यहाँ पे आप जैसे ही टिक करोगे, उसके बाद आपका जो पेज है कुछ इस तरह का दिखेंगे, आपके पीसी या लैपटॉप पे दिखते हैं उस तरह का पेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे www.bankofbaroda.in, ये जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कुछ लोडिंग लेगा। चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ इसे लोडिंग होने का। सो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक थ्री लाइन दिखेंगे यहाँ पे राइट साइड में। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे पर्सनल का। दोस्तों, पर्सनल के नीचे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, अकाउंट्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डिजिटल, स्टार्टअप बैंकिंग, अपडेट, आधार और मोर सर्विसेज का। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है कि अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएंगे। अब बात करें तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे दो प्रकार का अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, पहला यहाँ पे है सेविंग अकाउंट और दूसरा है यहाँ पे करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे मैं सेविंग अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे सेविंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएंगे। अब यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे अकाउंट्स फॉर सीनियर सिटीजन, अकाउंट्स फॉर पेरोल नीड्स, उसके बाद यहाँ पे नीड बेस्ड अकाउंट, और यहाँ पे अकाउंट फॉर नॉन इंडिविजुअल। तो दोस्तों, यहाँ में से आप जो भी चाहो अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका जो भी अकाउंट ओपन होगा सब सेविंग ही अकाउंट ओपन होगा, लेकिन मैं आपको जो है कि जीरो बैलेंस वाला अकाउंट जो है कि ओपन करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपलेस्ट डिपॉजिट ऑप्शन अवेलेबल टू द डिपॉजिटर, ये जो है कि ये अकाउंट जो है कि जीरो बैलेंस है। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, जीरो बैलेंस का फैसिलिटी जो है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, ये इस अकाउंट में आपको किसी भी प्रकार का पैसे जो है कि मेंटेनेंस करके रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो इसका इजी टू ऑपरेट टर्म एंड कंडीशन जो है कि यहाँ पे केप्ट लिस्टेड है, जो कि टू फैसिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसे रीड वगैरह कर सकते हो, और दोस्तों इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। यहाँ पे आप साफ साफ रीड कर सकते हो, इसका कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। दोस्तों, आप बात करूँ इस अकाउंट को ओपन किस तरह से करना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपन करने से पहले दोस्तों, यहाँ पे इसका चार्ज वगैरह जानना बहुत ही जरूरी है। क्या चार्ज है, डेबिट कार्ड का क्या चार्ज है, पासबुक का क्या चार्ज है, और इसका
जो भी फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी इसमें दिया जा रहा है, क्या इसका बेनिफिट है, उसके डिटेल के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप अकाउंट ओपन करें। दोस्तों सबसे पहले मैं इस अकाउंट को बात करूं तो ये अकाउंट का नाम है बड़ौदा एडवांटेज सेविंग अकाउंट। दोस्तों इसका डिटेल जानने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्नोमोर पे। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो क्नोमोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इसका डिटेल आ जाएगा बेनिफिट। दोस्तों इसका बेनिफिट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट आर फिक्सेबल एंड इजी टू ऑपरेट ऑप्शन फॉर ऑल एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपॉजिट अवेलेबल टू कस्टमर। सेविंग अकाउंट आर अमोंग द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट। दोस्तों इस अकाउंट को आप जो है कि जीरो बैलेंस में ही ओपन कर सकते हो और आप इसका डिटेल वगैरह जो है कि यहाँ पे आप रीड वगैरह कर सकते हो। काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक आपको रीड करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। और दोस्तों बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग वगैरह सारा कुछ जो है कि फ्री में मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका डिटेल वगैरह रीड कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया इसका बेनिफिट का, तो बेनिफिट आप सही से रीड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसका लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी का। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ऑल कस्टमर इन एज ग्रुप 18 से यहाँ पे 70 एज जो कि होना चाहिए। तो यहाँ 18-70 आर एलिजिबल टू अवेल द लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट एनी रेसिडेंट इंडिवल हु हैज। तो यहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हो। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका एज जो कि 18 से 70 साल तक होना चाहिए तभी आप जो है कि इस लाइफ इंश्योरेंस का जो है कि फायदा ले सकते हो, यानी कि इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपका एज 18 से नीचे है तो आप तो इस अकाउंट को ओपन कर ही लोगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का फैसिलिटी है वो आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो है कि आपको यहाँ पे 5 लाख तक का जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों प्रीमियम एंड सबमिशन ऑफ सिंपल हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया जाता है। तो आप इसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सम ऑसरेड। दोस्तों बात करें तो सम ऑसरेड स्टार्ट 80 मिनियम जो है कि 1 लाख से यहाँ पे स्टार्ट है एंड गज अप टू यहाँ पे 5 लाख मल्टीपल प्राइस जो है कि 1 लाख है। यहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हो। तो बहुत सारी इसमें जो है कि डिटेल वगैरह बताया गया है तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। और इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ट जो है कि 1 लाख का है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एज बताया जा रहा है 18 से 35 या फिर 36 से 50 या फिर 51 से 59 या फिर 60 से 70। तो इतना एज आपका होना चाहिए तभी जो है कि आप इस लाइफ इंश्योरेंस का फायदा उठा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मंथ ऑफ ज्वाइनिंग द स्कीम बताया गया है तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हो 138 मंथ का है। जितना भी मंथ का है यहाँ पे आप देख सकते हो 12 मंथ का कवरेज मंथ यहाँ पे इतना बता रहा है और इसका जीएसटी चार्ज वगैरह जो कि यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम वगैरह के बारे में तो अपने हिसाब से आप रीड कर सकते हैं। 12 मंथ का यहाँ पे आप देख सकते हो 1975 रुपया हो जाता है और 11 मंथ का 1811 रुपया। तो इस तरह से आप इसे पूरे रीड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसका फीचर्स की तो यहाँ पे हम फीचर्स पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एज ए कस्टमर यू कैन इंजॉय द मैनी फीचर ऑफ ए सेविंग अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों साफ साफ बताया गया फ्री ऑफ कॉस्ट तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे और फॉर मिनिमम चार्ज विथ ए सेविंग अकाउंट यू विल रिसीव ए पासबुक एंड चेकबुक। दोस्तों कहने का मतलब है पासबुक और जो चेकबुक है वो आपको फ्री में दिया जाएगा, इसका कोई भी चार्ज वगैरह जो कि नहीं लिया जाएगा। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे तो यू माई ऑल्सो अप्लाई फॉर ए डेबिट कार्ड मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग योर सेविंग अकाउंट थ्रू चार्ज माई अप्लाई विथ नेट बैंकिंग यू कैन एक्सेस योर बैंक स्टेटमेंट एंड मेक पेमेंट डायरेक्ट फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट। यू कैन यूज द डेबिट कार्ड लिंकेड टू योर सेविंग अकाउंट टू विड्रॉ कैश फ्रॉम ATMs एंड टू पे मर्चेंट्स। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो है कि
डेबिट कार्ड जो है कि आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। दोस्तों मैं आपको उस पर भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आपको अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पे आप मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो, अपने पासबुक का जो स्टेटमेंट है वो आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में निकाल सकते हो। और यहाँ पे आप जो है कि मेक पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम सेविंग अकाउंट में कर सकते हो, यानी कि मनी ट्रांसफर कर सकते हो। और एटीएम मशीन से बहुत ही इजीली आप कैश विड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ बताए सॉरी तो यहाँ पे साफ साफ जो है कि यहाँ पे आपको बताया गया किस तरह से आप जो है कि यहाँ पे इसका पेमेंट वगैरह क्या क्या चीज़ में आप कर सकते हो। यहाँ पे मर्चेंट में भी पेमेंट कर सकते हो, एटीएम के थ्रू विड्रॉ वगैरह भी कर सकते हो दोस्तों, और भी ऐसे बहुत सारे डिटेल्स है, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। अब बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा पे इंटरेस्ट ऑन ऑल सेविंग अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ विच इज ट्रांसफर्ड टू योर सेविंग अकाउंट एवरी क्वार्टर थ्रू इट इज कैलकुलेट डेली। तो यहाँ पे डेली कैलकुलेट करने का भी आपका इंटरेस्ट जो है कि ये फैसिलिटी भी फीचर भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात करूँ इसका टर्म एंड कंडीशन की, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो दोस्तों, इसका टर्म एंड कंडीशन यही है। तो यहाँ से आप इसके बारे में जान सकते हो दोस्तों। इसका टर्म एंड कंडीशन ये है कि यहाँ पे आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो डेबिट कार्ड के साथ, तो यहाँ पे आप जो है कि 2 लाख तक का जो है कि यहाँ पे पर डे आप जो है कि डिपॉजिट कर सकते हो वो भी यहाँ पे। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप जो है कि पैन कार्ड आपको लगेंगे डिपॉजिट करने में। यदि आप 2 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट कर सॉरी यहाँ पे यदि आप 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पे आपसे पैन कार्ड ही मांगा जाएगा। अगर 50,000 से आप नीचे करते हो तो यहाँ पे आपसे पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। तो आप इसे रीड कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है इसमें। बात करूँ दोस्तों कैश विड्रॉ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटर सोल कैश पेमेंट द थर्ड पार्टीज इज नॉट प्रोमिसबल। तो यहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हो। पर डे पर ट्रांजेक्शन लिमिट जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे 5,000 तक का है, सॉरी यहाँ पे 50,000 तक का है, जो कि यहाँ पे आप पर डे पर ट्रांजेक्शन लिमिट जो कि 50,000 तक का कर सकते हो। और इज फिक्स्ड फॉर कैश विड्रॉ बाय अकाउंट होल्डर ओनली थ्रू विड्रो अप टू, यहाँ पे आप जो है कि यहाँ पे आप जो है कि 25,000 तक का विड्रो कर सकते हो यहाँ पे। और विदाउट चेकबुक का आप विड्रो करो तो यहाँ पे आपको जो है कि नॉन बेस सीबीएस ब्रांचेस इरेक्टिव ऑफ नेचुरल ऑफ अकाउंट पासबुक सोल्ड कंपनी विथ विड्रोल्स जो कि सेल्फ विड्रोल्स एटी बेस फ्री है। दोस्तों यहाँ पे यदि जो है कि आप सेल्फ विड्रॉल एटी बेस ब्रांच इज यानी कि आप ब्रांच से जो है कि विड्रॉ करते हैं तो इसका कोई भी चार्ज जो है कि आपसे नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि इसका चार्ज जो है कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट एंड यहाँ पे आप जो है कि इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको नहीं बताऊँगा ज़्यादा कुछ। दोस्तों पासबुक के बारे में बात करूँ तो दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको इसमें पासबुक जो है कि फ्री में दिया जाएगा, और लेकिन अगर आपका पासबुक कहीं पे गुम हो जाता है या फिर लॉस्ट हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो उसके लिए आप न्यू पासबुक लेने जाते हैं दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर आपको पर डुप्लीकेट पासबुक का 100 रुपये जो है कि चार्ज लिया जाता है। तो यहाँ पर आप इसे अच्छी तरह से एक बार आप इसे रीड कर लें दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 30 लेवल का चेकबुक जो है कि फ्री में दिया जाएगा फिनिशियल ईयर के लिए, तो दोस्तों आप इसे भी रीड कर सकते हो, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। करूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड एक्शन ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे नो चार्ज विथ इन द बैंक, दोस्तों बैंक में कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बात करूँ यहाँ पे प्राइस 50 रुपये पर ट्रांजेक्शन प्लस एप्लीकेबल है, यहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हो। कैश क्रेडिट्स फॉर यहाँ पे आप इसे अच्छी तरह से एक बार रीड कर सकते हैं ये सब वगैरह, और इसमें किस तरह से बैलेंस मेंटेनेंस करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों फिलहाल तो ये अकाउंट जो है कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आप इसे एक बार अच्छी तरह से रीड कर लें। अब बात करूँ दोस्तों इस अकाउंट को आपको ओपन किस तरह से करना है, तो यहाँ पर आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारा डिटेल जो है कि फिल करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा एडवाइज
एडवेंचर सेविंग अकाउंट अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों इस अकाउंट को आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ बताया गया अप्लाई ऑनलाइन। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले नाम फिल करेंगे, ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। तो यहाँ से आपका जो भी स्टेट हो, फिलहाल मैं यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे धनबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से धनबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके एरिया में जितने भी ब्रांच होंगे ना, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रांच का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके एरिया में जो भी ब्रांच होंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो आपको सेलेक्ट कर लेना कि आपका नज़दीक वाला ब्रांच कौन है। तो मैं यहाँ पे अपने नज़दीक वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड जो है कि ये कोड को आपको जो है कि यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको टिक करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। चलिए मैं इसे फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारा डिटेल जो कि फिल कर दिया, मोबाइल नंबर वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है ये जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में चला गया है। दोस्तों आप जो है कि आपको बैंक की तरफ से कॉल आएंगे और कॉल पे आपको बताएंगे और वो जो है कि वहाँ पे डोर स्टेप का फैसिलिटी है, तो घर पे ही आपका अकाउंट ओपन करके देंगे और आपका जो डेबिट कार्ड है बाय पोस्ट के द्वारा आपको मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग वगैरह सारा कुछ आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों और यदि आप जो है कि इंस्टा अकाउंट ओपन करना चाहते हो, यानी कि इसमें जो है कि आप ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन करके अकाउंट नंबर तुरंत ही प्राप्त करना चाहते हो, तो उस वाले वीडियो का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग जो है कि तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हो और 5 मिनट के अंदर में ही खाता भी खुल जाएंगे, अकाउंट नंबर मिल जाएंगे, आईएफएससी कोड वगैरह, मोबाइल बैंकिंग सारा कुछ। तो उस वाले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है कि अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो है कि बता दिया है दोस्तों, यही इसका प्रोसेस है। दोस्तों पहले इसमें इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन होता था, लेकिन अब यहाँ पे जो है कि अब नहीं हो रहा है क्योंकि बंद कर दिया गया है। तो पुराने वाले वीडियो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने इंस्टा सेविंग अकाउंट जो है कि ओपन करके दिखाए थे, तो वहां से आप देख सकते हो उस वीडियो। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।